प्यारी सी वीडियो की शुरुआत, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड में चमोली जिले के सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की खास वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे सोल क्षेत्र के प्यारे से गांव मेन गांव से और अपनी मासी जी के घर से। तो पिछली वीडियो की शुरुआत दीदी के घर से की थी और आज कर रही हूँ मासी जी के घर से। तो आज सेल पाती का पांचवा दिन है, तो मौसा जी की तैयारी हो चुकी है वहाँ जाने की। चढ़ने के लिए अभी भूमिया नचाया जाएगा और जिन भूमियालों के आशीर्वाद से हमारे अन्न धन खेती भंडार सब भरे पड़े हैं। इसके बाद आज जो है कि जो हरियाली डालते हैं हम लोग, वो हरियाली जो है कि आज दिखाई जाएगी, हरियाली का पर्दा खुल जाएगा, हरियाली देखी जाएगी। उसमें जो है कि मतलब हरियाली की पूजा होती है, हरियाली की पूजा के बाद तब जाके आज से भेंट कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। तो मौसा जी जा चुके हैं क्योंकि मौसा जी जल्दी में है अभी, तो हमारी भी तैयारी है। यहाँ के मेन गांव का पंचायती चौक है ना, वो इस तरफ को है। बाकी यहाँ से जितना दिख रहा है मासी जी के घर से, ये पूरा मैं एरिया में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेन गांव जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है। अभी मैं मौसी जी के घर के आगे दीवार की चौक से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ और मासी जी भी तैयार हो रही हैं और बाकी सभी लोगों की जाने की तैयारी है। ये भाई रुद्र मेरे मौसा जी का नाती, और यहाँ हमारे ताऊ जी भी आए हुए हैं जो कि हमारे डुंगरी से हैं और मेरे मौसा जी के समधी जी हैं। तो ये भी कल हमारे ही साथ यहाँ कौथिक देखने के लिए मेन गांव में आए थे। ये भाई आक्षी हमारी छोटी सी तो तैयार हो चुकी है, हमारे साथ सुनीता भी है। ये हम सब एक ही गांव से हैं, डुंगरी से। मासी जी भी तैयार हो चुकी है और चलिए फिर चलते हैं। चलो तो चलिए फिर ले चलती हूँ मैं आप लोगों को पांडव चौक की तरफ। और आज खेलपाती का पाँचवा दिन है, चौथे दिन में मैं मेन गांव में पहुँच चुकी थी और कल मुझे वापस जाना है, यानी कि तीन दिन का कौथिक दे के मैं वापस अपने गांव जाऊंगी डुंगरी। तो चलिए फिर चलते हैं और भूम्याल देवता का आशीर्वाद आप भी लीजिए और कौथिक भी देखिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से। चलिए जी, मैं ना यहाँ पांडव चौक में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे देवता नाचने की तैयारी है, अभी शुरुआत नहीं हुई है तो काफी लोग आ चुके हैं। हरिये हरा द्वारे पांडव चौक द्वारो हरि हरिद्वार पांच के चारे भूमि महावे
Thank you.
मंदिर में भीड़ लगने की शुरुआत भी हो चुकी है और सभी लोग अब भीड़ लगा रहे हैं, जो गांव के भी हैं और जो गांव से अन्य लोग बाहर से भी आए हुए हैं। बाकी इन टोकरियों में ना यहाँ पे हरियाली बोई गई है, तो ये जौ की होती है, जौ बोए होते हैं और हरियाली जो है ना काफी अच्छी जम रखी है। तो जिस दिन कौथी की शुरुआत होती है उसी दिन ये बोए जाते हैं और आज पंचमी तिथि के दिन इनका पर्दा खुलता है और हरियाली की पूजा होती है, जैसे मौसा जी ने भी बताया था। तो हरियाली की पूजा के बाद ना गाँव वाले और अन्य जो भक्तजन है माँ भगवती की भेड़ लगाते हैं। सबसे पहले तो बहन आशा, जो ये तेरा चैनल है, सबसे पहले जो ये तो संदेश लोगों को भेजती है, सबसे पहले तो ये तू बधाई की पात्र है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत तू इस में करती है, मैं कहता हूँ इसका आपको परिणाम भी मिलता ही है। मैं देख लिया आपका वीडियो और आपको जो है कि वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और कृष्ण लीला में आपने देख लिया होगा कैसे हमारे यहाँ कृष्ण लीला होती है, कैसे हमारे रिवाज है, कैसे हमारी मातृशक्ति नाचती है, कैसे हमारे नवयुग नाचते हैं, कैसे हमारे बुजुर्ग नाचते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं हमारे और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी सीख है, सीखना चाहिए हमें कि कैसे मतलब देवता नाचता है, कैसे कृष्ण लीला होती है, कौन सा देवता क्या है, हमें पहचानना चाहिए। अब यहाँ पे धुनी जलती है, धुनी का क्या महत्व है, यहाँ पे ये सामने इसे बोलते हैं तेड़वा। अब अधिकतर जो ये अभी नई पौध है इनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ये आने वाली पीढ़ी है इसको समझे कि आखिर इसका मतलब है क्या। अब ये बुजुर्ग तो अब रही, कभी देखा मैंने कि 2016 में हुई थी यहाँ पे, अभी आपने देखा होगा कुछ महानुभाव हमारे पूर्वज हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हैं, आप उन यादों के साथ हम आज उस लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आशा, जो है कि मतलब हमारे गांव में आई, तेरा बहुत बहुत स्वागत। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी प्रणाम करता हूँ आपके लिए कि आप यहाँ आए और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और जय कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, धन्यवाद। तो मैं अभी ना मेन गांव के पंचायती चौक में खड़ी हूँ, तो यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। मेन गांव में लगभग सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं मेन गांव की समस्त जनता का धन्यवाद करती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली एक एक करके धन्यवाद नहीं दे सकती। और बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कि भव्य आयोजन कृष्ण लीला शिल्पाती का किया गया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी हमारा ये छोल क्षेत्र का काफ़ी खूबसूरत सा गांव है और यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है, गीतकार भी यहीं के, संगीतकार भी यहीं के हैं और डंकरिया सब कुछ यहीं के हैं। तो ये मेन गांव की एक खास बात ये रही है कि मेन गांव में पहले से आज तक हमने बचपन से देखा है कलाकारों की कमी नहीं है, गीतकार। जब हमारे डुंगरी गांव में भी शिल्पाती होती है, कृष्ण लीला का आयोजन होता था, तो यहीं से मतलब गीतकार जाते थे। तो मतलब तारीफ करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो अभी मैं वापस मासी जी के घर में आ चुकी हूँ, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उसके बाद दिन में 2 बजे के बाद कृष्ण लीला शुरू होगी, तो आप लोगों को मेन गांव की शिल्पाती की वीडियो जो है अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और दूसरी वीडियो दोपहर से शुरू होगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।